मैं वैसे बहुत रेयरली ही किसी एनिमे पर रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, और इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जो भी एनिमे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्या उसे मैंने पर्सनली इन्जॉय किया है। जब तक मुझे ही वो एनिमे पसंद ना आया हो तो तुम्हें मैं क्या ही रिकमेंड करूँगा। कई बार कोई ऐसा एनिमे भी होता है जिस पर मैं रिव्यू वीडियो बनाना तो चाहता हूँ पर उस एनिमे की तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते, जैसे कि गिंतामा। पर आज का वीडियो गिंतामा पर नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे कॉल ऑफ द नाइट एनिमे की। वैसे क्या तुम लोग रात को अकेले शांति से एनिमे देखना पसंद करते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इस एनिमे को रात में ही देखना, ताकि तुम इसे पूरी तरह से इन्जॉय कर सको। खैर, पहले मैं इस एनिमे के प्लॉट को समझा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि इस एनिमे में ऐसा क्या है जिसने मुझे इसका बड़ा वाला पंखा, बोले तो फैन बना दिया। तो इस एनिमे की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर को फॉलो करती है, जिसका नाम को यामोरी है। को एक नॉर्मल बट नॉट नॉर्मल मिडिल स्कूल स्टूडेंट है जिसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है, और इसके पीछे का रीज़न सुनोगे तो अजीब लग सकता है, बट भाई ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसे एक लड़की ने प्रपोज कर दिया था और इसने सख्त लौंडा बनकर उसे रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज इसे नहीं पता लव क्या होता है, क्या लव एक अट्रैक्शन है या किसी और को पाने की चाह। खैर, उसके बाद भाई को सब परेशान करने लगते हैं, बेचारों को एक बुरा पर्सन बना देते हैं, और इसलिए ये स्कूल छोड़ देता है और दिन भर घर पड़े रहता है। पर इसे रात को बाहर जाने का मन करता है, और कई दिनों की मुश्किलों के बाद एक दिन ये घर से बाहर रात को घूमने निकल ही जाता है, और ऐसे उसकी मुलाकात होती है नाजुना नाना कुसा से, जो कि एक वैम्पायर होती है और रात में ही निकलती है। वो को से बात करती है और जान लेती है कि को क्या दिक्कत है, और वो उसे सिखाती है कि रात को मज़े कैसे करते हैं। अब ये वो वाले मज़े नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो बस उसे सिखाती है कि रात को एंजॉय कैसे करते हैं, सब टेंशन वगैरह भुलाकर रात को प्रॉपर कैसे एंजॉय करें। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है, और को सोचता है कि उसे भी वैम्पायर बनना है, पर अब वो कैसे बनेगा इसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। सच कहूँ तो एनिमे बहुत ही सिंपल है, स्टोरी भी सिंपल है, तुम फर्स्ट एपिसोड से ही समझ जाओगे, बट तब भी ये एनिमे बहुत ही एडिक्टिव है, तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। और अगर मेरी बात करूँ कि मुझे इस एनिमे से प्यार क्यों है, तो मैं सिंपली बस दो रीज़न दूंगा। फर्स्ट है इसका आर्ट स्टाइल और एनिमेशन। आजकल के सारे एनिमेस के एनिमेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो गए हैं, बट इस एनिमे का एनिमेशन ही नहीं बल्कि आर्ट स्टाइल भी गजब का है। एनिमे अपने एनिमेशन का सही जगह पर इस्तेमाल करना बखूबी जानता है, और स्पेशली इसके हर सीन रात में है तो एनिमेशन के जो कलर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तुम जितना सीन दोबारा देखोगे उतना ही अच्छा लगेगा। हैट्स ऑफ टू द एनिमेशन टीम। नाउ बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो इस एनिमे के साथ कनेक्शन की और फीलिंग की। ये एनिमे मुझे महसूस करवाता है कि सच में रात में दुनिया कितनी ज़्यादा जगमगाती है और बहुत ज़्यादा हसीन लगती है। रात को घूमने में जो मज़ा आता है वो दिन में नहीं आता, और दोस्तों के साथ घूम रहे हो तो और भी अच्छा लगता है। कैसा होगा अगर रात को तुम लोगों के साथ घूमो, बट दिन की तरह यहाँ ज़्यादा भीड़ और लोग नहीं हो, बस तुम्हारे दोस्त हों और कुछ लोग हों और कुछ शॉप्स हों और पूरा शहर जगमगा रहा हो। इस एनिमे से मुझे यही फीलिंग आती है, और शायद ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये एनिमे मुझे वो दिखाता है जो मैं करना चाहता हूँ, रात को घूमना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा भी ऐसे ही मन करता है पर तुम ये नहीं कर पाते हो, तो ये एनिमे उस एहसास को जगाएगा और तुम्हें महसूस करवाएगा कि रात की रंगीन दुनिया दिन के उजाले से कितनी बेहतरीन है। मैं चाहूँगा कि तुम इस एनिमे को एक मौका दो, और आई एम श्योर कि तुम्हें पहले एपिसोड से ही ये एनिमे अच्छा लगेगा, और अगर रात के वक्त देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। बाय द वे, अगर तुम्हारे पास टीवी है तो इसे टीवी में देखना, और भी मज़ा आएगा, बट ओनली इफ तुम्हारा प्राइवेट रूम हो। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छी सीन्स हैं, नहीं भाई, एनिमे पूरा प्योर है, इसमें कोई गंदे सीन डालकर फालतू का चुतियापन नहीं किया गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आजकल साले हर एनिमे में फैन सर्विस डालकर उसे बिगाड़ते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं है। बाय द वे, इस एनिमे के कैरेक्टर्स भी तुम्हें पसंद आएंगे, ज़्यादा कैरेक्टर्स अभी एनिमे में नहीं दिखे हैं, अभी तो मुझे बस तीन ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखे हैं, और मैं चाहता भी यही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को ना घुसाड़ा जाए, जितने कम उतना अच्छा, और ज़्यादा मज़े भी। कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्जेशन मुझे मज़ा देती है, इसमें जो फ्लर्टिंग है वो आई थिंक आज के टाइम के रोमांस एनिमे से 100 times बेटर है। मैं तो इस साल के रोम कॉम एनिमे से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पर इस एनिमे के सीन सेटिस्फाइंग लगते हैं। खैर, मैं इसकी तारीफ करते नहीं थकूंगा, जबकि तुम में से कई को ये एक नॉर्मल एनिमे ही लग सकता है, पर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल एनिमे है जो अब मेरे दिल के करीब हो गया है। बाय द वे, मैंने जब इस एनिमे को दोबारा देखा, मतलब जितने एपिसोड आए हैं उन्हें रिपीट किया, तो मुझे अंदर से एक एहसास हुआ कि मैंने ऐसा सेम कहीं तो देखा है, ऐसा एनिमे जिसमें कॉल ऑफ द नाइट की तरह ही अमेजिंग सीन्स हो और बढ़िया जोक्स और ह्यूमर हो। और फिर मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा तो मैंने बाकी मोनोगातारी की सीरीज में देखा है, जो कि मेरे लिए एक मास्टरपीस है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे सीरीज में से एक है। वैसे तो मुझे आज तक इस सीरीज का वॉच ऑर्डर नहीं पता, पर एक बात बता दूं कि ये सीरीज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसकी जान है इसके सीन्स और कैरेक्टर्स के बोलने का स्टाइल। अगर तुम में से किसी ने ये सीरीज देखी है तो कमेंट में बताना,
कॉल ऑफ द नाइट और बाकी मनोगातारी दोनों थोड़ी सेम है, जहाँ तुम देखने पर स्टोरी पर ध्यान ही नहीं दोगे, ओनली जो सीन्स चल रहे हैं उन्हें इंजॉय करोगे, जैसा कि मैंने किया। और अगर तुमने बाकी मनोगातारी देखा है और कॉल ऑफ द नाइट भी देख रहे हो तो मुझे जरूर बताना कि क्या मेरी तरह तुम्हें भी इन दोनों में कुछ सेम लग रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर कोई भी कहीं से न्यू है तो चैनल भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। इसके अलावा तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो मेक श्योर कि तुम फॉलो कर लो अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।